पावर स्टार पवन सिंह और काजल राघवानी। जी हाँ, ये फोटोज लेटेस्ट है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों का जो ये स्टेज शो है वो शिवरात्रि के मौके पर नेपाल में हो रहा है, मेधावी महोत्सव में। और ये दोनों जो है यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और परफॉर्म करते करते बातें करने लग रहे हैं। जी हाँ, बातें तो कर रहे हैं, साथ ही साथ ये दोनों जो है बातें करते करते ये शायद भूल जा रहे हैं कि वो एक स्टेज शो पर हैं। और ये दोनों ताली मार कर हंसने भी लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें ऐसे लगता है, याद आता है कि वो स्टेज शो कर रहे हैं, तो फिर डांस करने लगते हैं। यानी कि काफ़ी लंबे अंतराल बाद ये दोनों मिले हैं। और आप जानते हैं कि जब दो लोग काफ़ी लंबे अंतराल बाद, एक पेयर जो बहुत हिट है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिसने काजल राघवानी को काजल राघवानी बनाया है, खुद काजल राघवानी ने ये कहा है कि उन्हें स्टार पवन सिंह ने बनाया है, ऐसे मौके पर काजल राघवानी जब अपने कैरियर के बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जी हाँ, बुरे दौर हम इसलिए कहेंगे क्योंकि उनके पास अभी फ़िलहाल में प्रदीप पांडे चिंटू को छोड़ दें तो किसी भी बड़े स्टार के साथ कोई काम नहीं है। ऐसे में पवन सिंह के साथ स्टेज शो करना बहुत बड़ी बात है और उनके कैरियर के लिए एक बूस्टअप है। अब बहुत दिनों बाद खेसारी के दोनों धुर विरोधी एक साथ मिले हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि खेसारी एक नया खुलासा ये भी कर रहे हैं कि 10 दिन पहले ही उनकी पवन सिंह से बात हुई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पवन सिंह ही बताएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।